हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो स्वयं हो रहा स्कूल के लिए रेडी और मैं कर रही हूँ उसकी ड्रेस स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ मैं। और वो जब तक फ्रेश होने गया है तो तब तक मैं इसकी ड्रेस तैयार कर देती हूँ। मुन्ना टाइम देख ले, 7:40 हो गए। चलना नहीं, लेट हो जाएगा। बनाने जा रही हूँ हर्षी खाना। हर्षी कॉलेज के लिए रेडी हो रही है और मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। स्वयं चला गया स्कूल और हर्षी हो रही है कॉलेज के लिए रेडी। मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ इतनी देर। तो अभी मैं लगी हूँ उसके लिए खाना बनाने। हर्षी हो गई है कॉलेज के लिए रेडी और मैंने उसको दे दिया खाना। और खाने में मैंने आज सिंपली सब्जी भिंडी की बनाई है और साथ में बनाई है चपाती। और हर्षी खा रही है खाना, कहती है मम्मा मुझे जल्दी जाना है, उसका टाइम हो गया था। तो बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल, तो इसके बाद मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो फिर मैंने फिर जल्दी से क्लीनिंग करके तो फिर मैं जाऊँगी मंदिर। और मैंने आज मंडे का फास्ट भी रखा हुआ, तो फिर फटाफट मैं क्लीनिंग करके इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो क्लीनिंग हो गई है मेरी ख़त्म, तो उसके बाद मैं नहा ली हूँ और नहा धो के अब मैं मंदिर जाऊँगी। और स्वयं के पापा भी जिम चले गए। तो गाइस, जिम फिनिश करने के बाद मैं सीधा स्वयं को लेने चला गया था। वहाँ से लेकर के आया हूँ, आकर के मैं नहा लिया हूँ, नहा करके प्रोटीन शेक भी ले लिया मैंने। और अभी मेरे खाना भी आ गया है, तो आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये मेरा खाना है। तो मेरा खाना आ गया, इसमें है फोर एग्स हैं, कद्दू की सब्जी है और इसके साथ में जो मूंगफली का पनीर मैंने निकाला था वो है और खीरा है। सो अच्छा खासा प्रोटीन मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो आप भी अपने डाइट में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि प्रोटीन आज की डेट में बहुत डेफिशिएंसी है हमारे इंडियन कल्चर में, स्पेशली जो डेरी नहीं लेते हैं उनके लिए। डेरी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने डेरी ऐड करें या ना करें, बट प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन के सोर्सेज कैसे भी हों, प्रोटीन को ऐड करें, कार्ब्स को कम करें, जो साइंस बोलती है उसके अकॉर्डिंगली कार्ब्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना कार्ब्स ही लें,
ज़्यादा कार्ब्स को आप ना करें। जब प्रोसेस्ड फूड को रूटीन लाइफ से आप निकाल देंगे तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज आप करें। और साथ में जो मैं पहले भी कई व्लॉग्स में बोलता आया हूँ कि अपना ब्लड टेस्ट जरूर करें। ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो भी कमी पेशी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स जो भी आपको बताएगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेना शुरू करें। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है लंबे समय तक, क्योंकि 40 के बाद आपका बॉडी मसल मास गिरना शुरू हो जाता है, जो 1-3% तक गिरता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्सरसाइज का स्केड्यूल क्या है। सो गाइस, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना घर भी पूरा नहीं बना हुआ। सो आपने नोटिस भी किया होगा मेरे घर में डाइनिंग टेबल भी नहीं है, तो हम ऐसे ही खाना खाते हैं, कभी बिस्तर पर बैठ के, कभी ज़मीन पर बैठ के, और मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ ज़मीन पर बैठ के खाने के लिए। सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले घर पहुँचा हूँ, और घर पे आते ही सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों का क्वेश्चन होता है, लोगों को ये अंडरस्टैंड नहीं होता कि हेल्थ क्या चीज़ है। सो मेरे को ये अंडरस्टैंड करने में 8-10 साल लगे, और उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप शुरुआत करें, प्रोसेस्ड फूड को बंद करें अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। प्रोसेस्ड फूड इन एनी फॉर्म, चाहे वो मैदा है, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड मार्केट से मिल रहा है, चाहे वो पैकेज्ड फूड है, लेकिन प्रोसेस्ड इन एनी केस आपको अवॉइड करना है। जब आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसके साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू आप ज़रूर चेक करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहते हैं हेल्दी का नाम लिख दिया होता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और शुगर के तो वैसे ही बहुत नाम हैं, शुगर, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोलोस। तो आप इन चीज़ों से बच के रहें, आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं और कौन से स्वीटनर्स नेचुरल हैं। आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको हेल्थ के लिए ठीक भी है या नहीं है, कि आप सिर्फ मार्केटिंग गिमिक में ही वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कवर मैंने लिया था, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसका कवर मैंने ये बाय किया था, लेकिन ये कवर अभी पीछे से ये देखिए कवर फट गया है, अभी मेरे को इसके लिए नया कवर लेना पड़ेगा। वैसे एक मेरे पास, वैसे तो ये चल जाएगा कवर, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अगर आप इसको देखें तो फ़ोन भी ठीक है, और ये कवर भी कहीं से कुछ नहीं हुआ है इसको, सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, ये थोड़ा सा इसका ऊपर का मटेरियल उतर गया है। सो ये अभी कवर तो काफ़ी दिन तक चल जाएगा, और अभी मेरे को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं देखता हूँ कोई कवर, अच्छा सा कवर मैं लेकर के इसके ऊपर लगाऊंगा। आईफोन, जैसा कि मैंने इसको स्टडी किया है और मार्केट में और ऑनलाइन भी मैंने देखा है, तो आईफोन को कहते हैं कि कवर की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो भी आप कवर लगा रहे हैं उसके ऊपर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बट फिर भी ह्यूमन माइंड है, शक की गुंजाइश रखनी नहीं चाहिए। सो कवर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, सो इतना महंगा कवर तो नहीं लूँगा, बट ठीक है, काम चलाने के लिए कवर ले सकता हूँ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सो क्योंकि हेल्थ और फिटनेस के बारे में व्लॉग है, सो आप अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें। सो तभी हम बोलते हैं कि ईट हेल्दी, कीप मूविंग, स्टे हेल्दी। बाय, मिलते हैं फिर कल।